हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद जहां सरकार सूरजपाल और भोले बाबा और साकार हरि के आरोपी सेवादारों की धरपकड़ कर रही है, तो वहीं साकार हरि की संपत्ति खंगाल रही है। वहीं भोले बाबा के एक अनुयायी ने बड़ा दावा किया है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवित होने का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि जूनावई थाना के गाँव काशीपुर के दीपक उर्फ देवेंद्र का दावा है कि 2020 में वो साकार हरि के सत्संग में दौसा राजस्थान गया था। पत्नी का करवा चौथ का व्रत था, सत्संग में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। लोगों ने शव को अलग डाल दिया, डॉक्टर ने भी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने साकार विश्व हरि का मंत्र पढ़ा, बाबा का जल मुंह में डाला, पत्नी जीवित हो गई। दीपक का पूरा परिवार साकार विश्व हरि की अपने घर में पूजा करता है, आरती करता है। पूरा परिवार सूरजपाल और भोले बाबा उर्फ साकार हरि को परमात्मा मानता है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मृत्यु तथा उसके पुनः जीवित होने का कैमरे पर चौंकाने वाला दावा किया है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट में। एक करिश्मा, जैसे आप बता रहे हैं आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो जीवित हो गई, ये क्या है? जी सर, दौसा राजस्थान में हम लोग पहुंचे थे करवा चौथ में, करवा चौथ कार्यक्रम था वहां पे। तो सर दौसा राजस्थान में कोरोना काल के लास्ट वीक, लास्ट की बात है, तो प्रशासन परमिशन मिलने के बाद में ही परमात्मा ने कार्य कराया था। तो परमात्मा ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में परमात्मा चले गए अंदर के लिए। दर्शन देने के बाद फिर हम लोग आए तो जो बहनों की साइड में हमारी तन की पत्नी बैठी थी, तो हमें बताया किसी बहन ने कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। तो हमने जाके देखा तो उनकी हार्ट बीट क्या पल्स भी नहीं थी। तो फिर हम घबरा गए, हमने कहा हे प्रभु, यहाँ आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो फिर वहां पर हमने एक निजी क्लिनिक जो होते हैं, तो हमने उनको एक दिखाया, मेरे को देख लेना भैया पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहां पर एक सेवादार बहन जल पिला रही थी, तो वहां पर हमें कुछ नहीं सूझबूझ में आया। हमने कहा हो सकता है गर्मी से तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो गर्मी से हमने एक माध्यम बनाया प्रभु का, तो परमात्मा का नाम लेकर के हमने थोड़ा सा मुंह में जल डाला और सिर पे पानी वानी डाला, हाथ पैरों की मालिश की। उसके 10 मिनट बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी और सांसें आ गई। नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें, जैसे आपका ही कहना था तबीयत खराब हो गई या मृत्यु हो गई थी, ये बताइए। जी सर, जो हमने जो जिसको दिखाया था तो वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम किसी डॉक्टर को दिखाएं। हां, निजी क्लिनिक थे। हां, जैसे आप आदर्श में गए थे, फिर कैसे ठीक कैसे हुई है? जी सर, परमात्मा की रहमत है। महिला यहाँ इधर में मृत थी जो ठीक हो गई है बाबा के आशीर्वाद से, ऐसा कोई मामला है क्या? हाँ जी, मेरी मतलब मैं दौसा गई थी सत्य के साथ में। दौसा जाने के बाद मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसे दर्शन किए मैंने। दर्शन करने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब खड़ी हुई, परमात्मा चले गए, तो खड़े होने के बाद में एकदम मुझे अंधेरा सा आया। तो हाँ, एक दीदी थी, तो उनसे मैंने कहा, इनकी दीदी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, तो गर्मी की वजह से पता नहीं, तो बोली गर्मी लग गई होगी, तो इनकी कोई बात नहीं है। तो वो मुझे ले जा रही, तो मैं चलते चलते बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई है। मैं बिल्कुल मतलब मुझे होश ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने बताया कि तुम मतलब बिल्कुल डेड हो गई थी, और देखो बिल्कुल भी जान नहीं थी तुम्हें। आपकी मौत हो चुकी है? हाँ, मेरी ये मेरी मतलब एक दीदी थी वो साथ लेके गई थी। ये कब की बात है? दौसा राजस्थान में वही वाला दौसा है ना ये? हाँ, दौसा राजस्थान। ये कब की बात है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है कौन किस सन की बात, कितने साल पहले, कुछ आइडिया है? नहीं, ये नहीं पता है। ये नहीं मत। तो आपकी मौत हो गई थी? हाँ बिल्कुल। फिर कैसे जीवित हुई है? तो ये डॉक्टर मेरे जो तन के पति है, वो मतलब उन्होंने किसी ने कहा उनसे कि देखो आपकी पत्नी बिल्कुल तबीयत खराब है उनकी, देखो चल के। तो ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने कहा, देखा मुझे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि मेरे बिल्कुल कब्ज नहीं थी। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी। और जो लोग वहाँ पे है पास में, वो कह रहे थे यहाँ से ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ डेड बॉडी को, ऐसे कह रहे थे। तो इन्होंने ये कहा अभी ले जाएंगे देखो। तो इन्होंने परमात्मा का जय घोष किया, नारायण साकार हरि की, शंकुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहां से मतलब वो करके, जो जल लिया था अपने मन से, आस श्रद्धा थी इनकी, तो इन्होंने वो करके तो ऐसे मतलब मेरे मुंह में पानी डाल दिया वहां से लेके, और तभी मैं उठ के मतलब मुझे होश आ गया।